जालंधर के बस स्टैंड के नजदीक अमृतसर जोन के जोनल मैनेजर प्रवीण गोयल ने रिबन काटकर पंजाब नेशनल बैंक आयरन कार्यालय का शुभारंभ किया, जिसका शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान सुंदर कांड पाठ का भोग डाला गया। अंचल प्रबंधक प्रवीण गोयल ने सभी कर्मचारियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मंडल प्राचार्य भूषण शर्मा सहित समस्त स्टाफ ने मुख्य अतिथि को फूल माला पहनाकर व बालाजी का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुकेश कुमार सेठी, प्राचार्य चरणजीत सिंह मुल्तानी, मुख्य प्रबंधक सुनील कुमार, पूनम सचदेवा, संजय सिंह, अमित कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। गेस्ट बन के राजी नहीं हूँ क्योंकि मैं आपकी टीम का मेंबर हूँ, इसलिए मुझे पता है कई लोग जानबूझ के डिले आते हैं या और आते हैं। मेरी वैसी नेचर नहीं है कि मुझे ये नहीं रहता कि मुझे कोई मिलेगा, मुझे कोई बुके चाहिए। केवल आप लोगों से मिलना होता है, हम एक ही टीम है, ठीक है। तो कभी ऐसा मत सोचना कि साहब तो यार, कई बार दिमाग में होता है कि हमें तैयार भी नहीं होने देते और आगे। मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूँ। मैं आपको क्लियर बता दूं कि मुझे भी पता था कि मैं डिले बाहर रुक जाता, 15 मिनट रुक जाता या लेट चलता, तो मेरी ऐसी नेचर नहीं है। मुझे ये रहता है कि जो टाइम दिया हुआ है, आपको 9:15 का टाइम दिया था मैंने, तो मुझे था कि 9:15 पहुंचना है, हो सकता है रास्ते में फोग मिले, तो वो फोग थोड़ी सी कम थी और ड्राइवर ने फास्ट खींच लिया, तो फिर मेरे को रुकने का नहीं होता कि पहुंच गए तो चलो ठीक है, अपना ही घर है ना, ठीक है। तो आई वंस अगेन कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू और हम एज ए टीम बढ़िया काम करेंगे। पहले भी आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बढ़िया काम किया है, एक्सीलेंट काम किया है, तो ही आप तो ही जो आपके लोग हैं, देखो आपके कदम जी एजीएम से डीजीएम प्रमोट हुए, महेश 4 से 5 प्रमोट हुआ, तो ये सारी चीजें किस लिए है, क्योंकि आप लोगों ने काम बहुत अच्छा किया है और इन फ्यूचर भी हमारा बैंक भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कल टीएमसी हुई, एमडी साहब ने बहुत खुश थे, हमने टोटल बिजनेस 20.69 लाख करोड़ का किया और जो बैंक के एफिशिएंसी पैरामीटर्स होते हैं, बैंक के एफिशिएंसी पैरामीटर्स क्या हैं कि जब रिकवरी फ्रेश स्लिपेज से ज्यादा हो जाए तो वो एफिशिएंसी पैरामीटर माना जाता है। तो हमने ये फोर्थ क्वार्टर है कंटिन्यू कि जहाँ हमारी रिकवरी जो फ्रेश स्लिपेज से ज्यादा है और बहुत अच्छे मार्जिन, हमारा रिकवरी लगभग 6500 है, फ्रेश स्लिपेज 2500 के आसपास है, तो काफी गैप से
हमने अच्छा प्रॉफिट भी आएगा क्योंकि जब 4000 हमारी रिकवरी ज्यादा है तो आप उसमें प्रोविजनिंग मोटा मोटा लगा लो कि 50% भी अगर हम रिवर्स करवा पाते हैं तो 2000 हमारा डायरेक्ट प्रॉफिट में ऐड होगा। तो ये हम सब लोग बैंकर हैं तो ये कैलकुलेशन भी हमें ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। तो हम ये चीजें क्योंकि बैंक अपना है, जैसे मान लो एमडी साहब क्या बोल रहे थे कि पेरेंट्स जैसे काम करते हैं ऐसे ही वो काम करते हैं हमारे एमडी साहब, बहुत मेहनत काम करते हैं वो। रात को 10:30 बजे से पहले कभी नहीं जाते ऑफिस से, सुबह एग्जैक्ट 9:15 वो पहुंच जाते हैं। तो जब हमारा बॉस इतना मेहनती है तो हमारी भी एक ड्यूटी है कि हम भी बैंक को आगे ले जाने में जितनी उनकी सपोर्ट कर सकते हैं उतनी सब लोगों को सपोर्ट करनी है। क्योंकि जैसे मैंने पीजीवी की मीटिंग अटेंड की 1 तारीख को, उनका फाउंडेशन डे था, तो वहाँ पे कितना स्टाफ लॉयल है उनका, कितना डिवोशन है, डेडिकेशन है, आपको देखने वाला है। क्योंकि वहाँ कल्चर एक्टिविटीज थी तो वहाँ स्टेज से ही बोले जितना भी स्टाफ था कि हमारा जैसे फादर होते हैं, फादर हमें रोटी देते हैं, सब कुछ देते हैं, जितनी हमारी नीड्स हैं वो पूरी करते हैं, ऐसे ही बैंक, बैंक हमें हमेशा के लिए सब कुछ देता है, तो ये भी हमारे फादर समान है बैंक। तो इसी हिसाब से हमें काम करना चाहिए। तो ऑल द बेस्ट, कंग्रेचुलेशंस कि आप बहुत अच्छे प्रीमाइसिस में आए, और यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि लगभग 50% हम पहले से ज़्यादा ग्रोथ देंगे। सर आज नव वर्ष पे पीएनबी ने इनॉग्रेशन की है, उसके बारे में बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं नव वर्ष की शुभकामनाएं सारी हमारी जितने भी देशवासी हैं उनको देना चाहूँगा पीएनबी परिवार की ओर से, क्योंकि आज हमारे रैम का शिफ्टिंग हुआ है। पहले काफ़ी डिस्टेंस पे रैम था परंतु अब बिल्कुल सिटी के अंदर हमारा रैम यहाँ पे आ गया। ये क्या है कि पब्लिक को इसमें कन्वीनियंस होगी, आने जाने में कोई भी उनका प्रपोजल होता है तो वो यहाँ आके रैम हेड से या स्टाफ से वो डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि पीएनबी हमेशा लोगों का बैंक रहा, पीएनबी का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1895 में हुआ, 1895 में इसका फाउंडेशन लाला लाजपत राय जी के द्वारा किया गया। तो पीएनबी का शुरू से ही जो मकसद रहा है कि जनता की सेवा करना, तो वो आज भी हमारा वही मकसद है हमारे स्टाफ का कि हम पब्लिक की जितनी भी सर्विस कर पाए डिवोशन के साथ, डेडिकेशन के साथ, तो हमारा स्टाफ उसके लिए हमेशा तत्पर है। आगे भी हमारा यही काम रहेगा क्योंकि बैंक बहुत अच्छे प्रोग्रेस पे है, बैंक फॉरवर्ड वे जो है राइट वे में हम जा रहे हैं, और ग्रोथ लगभग इस क्वार्टर में हमने 13% ग्रोथ की, और जो हमारे बैंक का बिजनेस है वो 20.69 लाख करोड़, यानी कि 20 लाख करोड़ के जो मार्क था उसको भी हमने क्रॉस किया। ये सब जो कंट्रीब्यूशन है ये पब्लिक का कंट्रीब्यूशन है, जनता का कंट्रीब्यूशन है, उनके सहयोग के लिए हम उनका जनता का धन्यवाद करते हैं, और आगे भी हम जो सेवा हम पहले से कर रहे हैं पब्लिक की वो आगे भी जारी रहेगी। धन्यवाद।